हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। आज है रविवार 3 नवंबर 2019। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं हमारे केडीबी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूरे देश में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की धूम है। इसी के बीच बिहार के पटना जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अनोखा मिसाल देखने को मिली है। फुलवारी शरीफ के चुनौती कुआं में मुसलमान भाइयों ने एक अनोखी पहल की है, जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। दरअसल नमाज पढ़ने के बाद चुनौती कुआं के मुसलमान भाइयों ने छठ करने वाले महिलाएं और पुरुषों के बीच छठ पूजा का सामग्री वितरण किया है। कहा जा रहा है कि मुसलमान भाइयों ने सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच पूजन सामग्री वितरण की है। जानकारी के मुताबिक पूजन सामग्री में सूप के साथ साथ नारियल, सेब, केला और अमरूद थे। इसके अलावा एक अगरबत्ती भी दी गई है ताकि घाट पर उसे जलाकर पूजा की जा सके। बिहार की सबसे बड़ी डेयरी और सहकारी दूध उत्पादक सुधा ने लोक आस्था के महापर्व छठ के दिन लोगों को महंगाई का झटका दिया है। सुधा डेयरी ने छठ महापर्व के दौरान अपने उत्पादकों की कीमतों में इजाफा किया है, यानी कि सुधा मिल्क का दाम बढ़ा दिया गया है। सुधा मिल्क और उसके दूध उत्पादकों की कीमतों में 2 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए दाम कल यानी शनिवार से लागू कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बावजूद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये राहत उन्हें 4 मामले में मिले हैं, लेकिन 2 मामले और होने की वजह से लालू अभी जेल में ही रहेंगे। 4 मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव 14 साल की जेल काट रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 5 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी थी। 13 जून को लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। बिहार विधानसभा में AIMIM के एक लौते विधायक कमरुल हुदा ने कहा है कि वे पक्के हिंदुस्तानी हैं। एक बार नहीं बल्कि 100 बार वंदे मातरम बोलने को तैयार है और बोलेंगे भी है, लेकिन किसी के दबाव में एक बार भी नहीं बोलेंगे। उपचुनाव में किशनगंज से विधायक बने कमरुल हुदा सदन की सदस्यता लेने के बाद पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे पक्के हिंदुस्तानी हैं, उनके पुरखे यहीं के हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में कोई बाहरी और घुसपैठिया नहीं है, यहाँ NRC की कोई भी जरूरत नहीं है। कमरुल हुदा ने कहा कि किशनगंज में भी कोई बांग्लादेशी बाहरी घुसपैठिया नहीं है, यहाँ जिन्हें बाहरी कहा जा रहा है वह सब पश्चिम बंगाल, अररिया, पूर्णिया जिलों से आए हुए आम लोग हैं। यूनियन बिहार योजना कार्यक्रम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पहली बार जारी की गई है। राज्य स्तरीय रैंकिंग में 31 अक्टूबर को ऑनलाइन रिपोर्टिंग में पिछड़ने वाले जिलों को सुधार करने का आदेश पूर्णिया जिले को दिया है। कुशल नेतृत्व में पहली बार जिलावार रैंकिंग में बेगूसराय जिले को सूबे में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। राज्य टॉपर का खिताब पाकर शिक्षा विभाग के मामले में जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन किया है। बेगूसराय ने 183 में से 163 स्कूलों में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के मामले में सूबे में 37 जिलों को पछाड़ते हुए ये उपलब्धियां हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पर किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला को 2, अरवल जिला को 3, सारण जिला को 4 और नालंदा जिला को 5 स्थान मिला है, जबकि पूर्णिया जिला सबसे नीचे स्थान पर टिकी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का घोषणा होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी JDU अकेले ही 81 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जानकारी के अनुसार पार्टी के झारखंड इकाई के प्रमुख सुल्तान मुर्मू ने इससे पहले घोषणा की थी कि वे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ विचार विमर्श के बाद घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे झारखंड में उन सीटों पर अधिक से अधिक अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां पार्टी जीत पाएगी। उनका कहना है कि JDU सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वो भी अकेले। पेट्रोल की कीमतों में शनिवार को गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कई महानगरों में शनिवार को पेट्रोल सस्ता हो गया है। वहीं डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 1 लीटर पेट्रोल का भाव 5 पैसे गिरावट के साथ 72.81 रुपए पर आ गया है। वहीं डीजल अपने पुराने भाव में 65.80 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। छठ पूजा का सीधा संबंध गंगा से है। सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हाल के दिनों में गंगा के दुर्दशा को लेकर पूरा विश्व चिंतित है, क्योंकि गंगा धीरे धीरे मैली होती जा रही है। लेकिन अब गंगा को साफ और स्वच्छ करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग मुहिम चला रहे हैं। बिहार के छपरा में गंगा घाट को स्वच्छ बनाने की मुहिम का नजारा दिख रहा है। यहाँ सैन आर्टिस्ट अशोक ने गंगा में पॉलिथीन और अन्य प्रदूषण करने वाले सामग्रियों को नहीं फेंकने की अपील करती एक सैन आर्ट बनाई है। अशोक ने दिखाया है कि किस तरह एक मछली गंगा किनारे आने वाले लोगों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक की बोतलों को खाकर बीमार पड़ गई है। दुर्गा पूजा और काली पूजा की छुट्टियों के बाद कार्यालय में लौटे राज्य के सरकारी कर्मियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोबारा खुश कर दी है। उन्होंने कहा कि अगले साल राज्य के सरकारी कर्मियों को 17 से 31 अक्टूबर तक कुल 15 दिनों की छुट्टियां मिलेगी। हालांकि इस साल कर्मियों को 14 दिनों की छुट्टियां मिली थी और अब अगले साल से इसकी संख्या बढ़ाकर 15 दिन कर दी जाएगी। 20 नवंबर से 5 चरणों में होने वाले 81 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 दिसंबर को होगी। पहला चरण की चुनाव 30 नवंबर को होगी, दूसरा 7 दिसंबर को होगी, तीसरा 12 दिसंबर, चौथा 16 दिसंबर और पांचवा 20 दिसंबर को चुनाव होगी।
किशनगंज जिला के टेरागाछ में बेनुगढ़ टीला को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। डीएम हिमांशु शर्मा, एसपी कुमार आशीष और डीडीसी यशपाल मीणा ने भी दूसरे दिन टीला का दौरा किया है। जिला प्रशासन यहां पर हडबंदी करके योजना बना रही है, जहां पर पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई दी जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न पदों पर कुल 1505 वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत राज्य भाषा उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के पद भरे जाएंगे। ये सभी भर्तियां उर्दू निदेशालय के अंतर्गत भरी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2019 है, जबकि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2019 है। मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से उर्दू विषय में न्यूनतम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट या फिर उससे रिलेटेड परीक्षा पास की हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.bssc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास पर खरना का प्रसाद ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान समेत तमाम आगंतुकों का स्वागत किया और उन्हें खरना का प्रसाद खिलाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश एवं देशवासियों को छठ पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बिहार में पैक्स चुनाव 5 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके लिए तारीखें भी तय कर दी है, साथ ही चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार 11 नवंबर को पहले चरण के सूचना प्रकाशन के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। 5 चरणों का मतदान 9 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच होगी। सभी चरणों में हर जिले के किसी न किसी पैक्स के मतदान होना है। बिहार के सभी 8463 पैक्सों के चुनाव होना है। इन पैक्सों के चुनाव में राज्य भर के लगभग 25 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किसानों को सीधे लाभ देने वाली देश की सबसे बड़ी स्कीम मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के पहले चरण में 13,60,380 किसानों ने इसका फायदा उठा लिया है। इन किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 482 करोड़ रुपए की रकम भेजी गई है। इस योजना के तहत खेती किसानी के लिए 4-6 हजार नहीं बल्कि पूरे 25,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का भी पैसा जोड़ दिया जाए तो ये 31,000 हो जाएगी। जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है उसे 11,000 रुपए मिल रहे हैं। ये स्कीम झारखंड राज्य में 10 अगस्त से शुरू हुई थी। ये स्कीम सिर्फ झारखंड के मूल निवासियों, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है। दूसरे राज्य से यहाँ आकर जमीन खरीदने वालों को भी ये लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को रवाना हो गए हैं। उनका यह दौरा व्यापार, समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। इस दौरान वह आसियान, भारत, पूर्वी एशियाई और RCEP शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री आवास के सामने से ही अवैध गाड़ी को उठवा लेने का साहस दिखाने वाले IPS अधिकारी विकास वेबे को कल IIT कानपुर सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। IIT कानपुर में आयोजित होने वाले समारोह में कल बिहार कैडर के तेज तर्रार IPS अधिकारी और वर्तमान में मुंगेर के DIG विकास वेबे को सम्मानित किया है। पटना समेत पूरे बिहार में वृत्तीय अधर्य दे रही है। गंगा के घाट के अलावा राजधानी पटना के 36 तालाब पर वृत्तीय पूजा कर रही है। राज्य के सभी जिलों में लोग नदी और तालाब के किनारे बने घाट पर छठ पूजा करने पहुंचे हैं। दीघा से लेकर गाय घाट तक पटना के 78 गंगा घाट छठ पूजा के लिए तैयार किए गए हैं। इन घाटों पर लाखों की संख्या में लोग छठ पूजा कर रहे हैं। अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आप जल्दी करें, क्योंकि बिहार पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्तियां निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2019 तक है। आप इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 1 अगस्त 2019 को या उससे पहले उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने पेंशन धारकों को 30 नवंबर 2019 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है। मतलब साफ है कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन SBI के खाते में आती है तो आपके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बेहद ही जरूरी है। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी पेंशन धारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2019 तक जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोकी भी जा सकती है। मधुबनी जिला के जयनगर शहर में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा प्रत्येक रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ के शुभ अवसर पर अजबलाल सीताराम प्राथमिक विद्यालय आम टोल उसराही जयनगर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के पौधारोपण किया गया है। इस अवसर पर जयनगर के अनुमंडलीय पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने कहा है कि मनुष्य को वृक्ष के महत्व को समझना चाहिए।
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने फार्मासिस्ट के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली है। इसके तहत कुल 1311 पदों पर भर्तियां होगी। ये सभी पद बिहार के विभिन्न अस्पतालों में अस्थायी आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2019 है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बचे है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे किसी भी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर।